अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। तो हमारी बेगम आज बना रही हैं बच्चों के लिए मैक्रोनी। तो थोड़ा सा हल्का हल्का भूख का टाइम है, शाम का टाइम है, तो बच्चे मैक्रोनी की ज़िद कर रहे थे, तो हमने सोचा चलें आपको आज मैक्रोनी की रेसिपी भी शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो आज हम बना रहे हैं वेजिटेबल मैक्रोनी। ये देखिए हमारी वेजिटेबल मैक्रोनी बनके तैयार हो गई है। इसकी फाइनल लुक ये है। अगर आपको ये रेसिपी चाहिए तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं अपने किचन में वेजिटेबल मैक्रोनी बच्चों के लिए, जो बहुत ज़बरदस्त होती है। इसके लिए मैंने पानी में उबाल ली है, बॉइल कर ली है मैक्रोनी, थोड़ा सा ऑयल डाल के, और इसके साथ मेरे पास हरी प्याज है, ये पत्ते जो उसके होते हैं उसके साथ, और ये शिमला मिर्च है जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। फिर मैं ये थोड़ा सा टमाटो केचप डालती हूँ, ये थोड़ा चिल्ली सॉस है इसे ऐड करूँगी, ये सोया सॉस है, और थोड़ा सा सिरका, और इसी के साथ मैं डालूंगी मैक्रोनी मसाला, टिक्का मसाला, और ये चिकन पाउडर, और ये थोड़ा सा मेरे पास टिक्का मसाले में टिक्का मैक्रोनी स्पैगेटी मसाला है, ये बहुत लजीज होता है, इसको ऐड करूंगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। जी व्यूअर्स, तो अब हम डालेंगे अपने फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। फिर ऑयल ऐड करने के बाद ये बिल्कुल थोड़ा डालना, बहुत ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि हैवी हो जाता है। फिर ऑयल थोड़ा सा इसको अंदर हीट अप करेंगे, उसके बाद हम इसमें डालेंगे ये शिमला मिर्च। मैं बना रही हूँ वेजिटेबल मैक्रोनी, तो मैं किसी तरह का गोश्त या मीट वगैरह इसके अंदर नहीं ऐड कर रही, तो ये मैंने डाला इसके अंदर शिमला मिर्च। शिमला मिर्च के साथ ही मैं ये हरी प्याज डाल दूँगी। अच्छा, इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना, इसे हमने बस थोड़ा सा सौते करना है ऑयल के अंदर, कि बस ये हल्का हल्का सा अधगला सा हो जाए और थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए हमारी वेजिटेबल्स का। फिर इसके बाद हम इसमें मैक्रोनी ऐड करेंगे, और मैक्रोनी के बाद हम इसमें तमाम मसालेदार ऐड करेंगे जो हमें डालने हैं। मैक्रोनी आपने पहले से उबाल के रख ली थी? जी, मैक्रोनी मैंने ये पानी में 2 चम्मच ऑयल डाल के इसे बॉयल कर लिया है। देखिए एक एक मैक्रोनी मेरी अलग अलग सी है, अब इसको मैं इसके अंदर डाल के भूनूंगी, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा अपनी वेजिटेबल्स को सॉटे कर लूँ। फिर सॉटे करने के बाद मैं इसके अंदर मैक्रोनी ऐड करूंगी। तो गाइस, ये मैक्रोनी हमारी बेगम बहुत अच्छी बनाती हैं, तो आप भी इसको लाजमी ट्राई करिएगा। और ये मैं बना रही हूँ वेजिटेबल मैक्रोनी। तो अब मैं इसके अंदर ये मेरी जो वेजिटेबल्स थी शिमला मिर्च और हरी प्याज, ये मैंने सॉटे कर ली है ऑयल के अंदर। अब मैं इसमें ये बॉयल्ड हुए मैक्रोनीज मिला रही हूँ। फिर इसके बाद मैं इसमें तमाम मसाले डालूंगी। जी, तो ये मैंने मैक्रोनी डाल दी है, अब इसे हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छा, वेजिटेबल भी मैंने कम ही डाली है क्योंकि मेरे बच्चे जो है वेजिटेबल खाते ही नहीं है इतनी ज़्यादा, तो जो है बस टेस्ट के लिए मैंने डाली है। आपको अगर ज़्यादा बढ़ानी हो तो आप और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, इसमें आप बंद गोभी भी डाल सकते हैं, गाजर मटर जो भी आपको डालना हो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप इसमें बनाएंगे कम में भी, तो मसालों के साथ बहुत ज़बरदस्त बहुत लजीज बनती है ये। क्विक रेसिपी गाइस, तो आप देख रहे हैं तैयार हो रही है मैक्रोनी को। सिंपल पहले उबालना है 1 चम्मच ऑयल में। अब मैं इसमें सोया सॉस डाल रही हूँ बिल्कुल मामूली सा। उसके बाद ये मैं डाल रही हूँ चिल्ली सॉस। क्या है ये? चिल्ली सॉस। जी, चिल्ली सॉस आप ऐड कर रही हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैंने चिल्ली सॉस ऐड कर दिया। इसके बाद मैं डाल रही हूँ मैक्रोनी के साथ जो टिक्का मसाला आता है। ओके, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास ये चिकन पाउडर है, क्योंकि मैंने ना बीफ की अपनी डाली, ना बीफ डाली, ना चिकन डाली, सिर्फ वेजिटेबल डाली है, तो ये चिकन पाउडर मैंने लिया हुआ है। इसके अंदर मैं थोड़ा स्प्रिंकल कर दूँगी, इससे जो है चिकन की खुशबू आ जाती है, टेस्ट तो चिकन का आ जाता है, बस चिकन नहीं होती क्योंकि बच्चे नहीं खाते मेरे, तो मैं वेजिटेबल वाली बनाती हूँ। ये बन रही है वेजिटेबल मैक्रोनी। वेजिटेबल मैक्रोनी की रेसिपी बहुत आसान है, क्योंकि इसके अंदर ना मीट होता है ना चिकन, क्योंकि उसे उबालना पड़ता है फिर बनाना पड़ता है, मेरे बच्चे खाते भी नहीं है, तो इसलिए मैंने ये वेजिटेबल मैक्रोनी बना रही हूँ आप लोगों के लिए। ये देखिए। तो गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दें, आप हमारा हौसला बढ़ाएंगे, तो इंशाल्लाह हम इस तरह से आपको और रेसिपी भी शेयर करेंगे। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आलू के कबाब बनाना सिखाऊंगी, इसके अलावा आलू के जो
छोटे आलू की तली की चाट सी होती है उस तरह की वो चाट बनाऊंगी, काठियावाड़ी चाट आलू की। इसके अलावा जो भी आप और कमेंट्स करेंगे कि क्या चीज़ आप चाहते हैं, कौन सी रेसिपी चाहते हैं, इंशाल्लाह वो रेसिपी भी आपको देंगे। गाइस सबसे ज़्यादा मेन जहां आप रेस्टोरेंट में इतने पैसे खर्च करते हैं जाके, वो ब्रोज़ बनाना मैं आपको जल्द सिखाऊंगा इंशाल्लाह एक दो वीडियो के अंदर। अच्छा अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ टिक्का मैक्रोनी स्पैगेटी मसाला। ये आता है बहुत ज़बरदस्त मसाला है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, टिक्के जैसा टेस्ट आता है मैक्रोनी में से। ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया और इसके साथ ही ये टमाटो केचप है, ये मैं ऐड करूँगी, इससे थोड़ा मीठा मीठा सा टेस्ट आ जाता है, खट्टा मीठा बहुत मज़ेदार। बच्चे ज़रा शौक से खा लेते हैं। जी जी, और कलर भी थोड़ा सा मेरे चेंज हो जाएगा मैक्रोनी का। वाओ ब्यूटीफुल, खूबसूरत। ये मैं थोड़ा डालूंगी और फिर टेस्ट के हिसाब से आपको कम ज़्यादा लगे तो अगर कम है तो आप बढ़ा लें, और अगर ज़्यादा है तो उसका कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि पहले थोड़ा डालें आप और फिर उसके बाद देखें। ये देखिए मेरी कलर चेंज होने लगा मैक्रोनी का, बस ये फाइनल टच है, इसके बाद सर्विंग के लिए निकाला जाएगा। ये आई है सब चीज़ें मिलाने के बाद हमारे मैक्रोनी की शक्ल, मैक्रोनी का फेस, मैक्रोनी का बहुत हसीन खूबसूरत मज़ेदार सा फेस। अब जो है मैं आपको बताऊं कि ये जो मैक्रोनी होती है ना, ये मिनटों में तैयार होने वाली डिश है और बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। इसमें मैंने सिर्फ वेजिटेबल्स डाली हैं तो ये वेजिटेबल मैक्रोनी है, किसी किस्म का कोई मीट, कोई बीफ, कोई चिकन कुछ भी नहीं है इसके अंदर। और जो है अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो बराए मेहरबानी इज़न अली व्लॉग को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करके बताइए कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, या आप हमारे साथ और कौन कौन सी रेसिपीज़ हम आपके साथ शेयर करें। प्लीज़ हमें ज़रूर कमेंट्स करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और बेगम ये बहुत क्विक रेसिपी आप बना रही हैं, सुबह बच्चों को अब स्कूल खुलने वाले हैं जैसे, जी लंच में देने के लिए मेरे बच्चे बड़े शौक से ये खाते हैं और ले जाते भी हैं स्कूल। जी तो ये मेरी मैक्रोनी तैयार हो चुकी है, अब मैं इसको करूँगी डिश आउट। तो जी इसम कासिम क्या हो रहा है, तो कैसी लगी मैक्रोनी आपको? अच्छा तो अपने गाइस को खा के बताइए कासिम, अच्छी बनाई है। इस दिन आप क्या खा रहे हैं? मैं तो बहुत पसंद है। आपको भी पसंद है? बहुत। ये मैक्रोनी हमारे तैयार हो चुके हैं, अब हम जा रहे हैं इसको सर्व करने की तरफ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो इज़न अली व्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लोगों को इस चैनल के बारे में बताएं, और अपने दोस्त असगर अली को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।